मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। प्रधान के राजनीति में हुई मंजीत पटेल की हत्या। ग्राम प्रधान के अभियुक्त इंद्र नारायण मिश्र उर्फ पियरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गई है। सुल्तानपुर, अमेठी व कोंडहर में दबिश के लिए गई है। पूर्व प्रधान हबीब व यंग आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक जितेंद्र पटेल की अगुवाई में ठोस आश्वासन चाह रहे हैं। पियरी महाराज की गिरफ्तारी हो, मृतक के पिता को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, मृतक परिजन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। थाने के दो सिपाही के सिंह तथा अजय सिंह पियरी के घर की दो औरतें थाने लाई गई है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल व सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी मौजूद है। ग्राम सभा में गुलाब चंद प्रधान के षड्यंत्र द्वारा जो है उसकी साजिश के तहत लगभग जो है क्रमशः 3-4 जो है हत्याएं हो चुकी हैं। और परिवार की जो मांग है, लगातार मैं कल से लगा हूँ परिवार के साथ, प्रशासन के लिए भी मदद कर रहा हूँ कि उनका जो भी सहयोग हो रहा है मजबूती से सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन परिवार जो हमको दिखा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ग्राम सभा के लोगों का जिन्होंने मजबूती से जो है प्रशासन का साथ दे रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है जी। और जैसी घटना घटी है, पेशे से फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी था इंजीनियरिंग का, और पेशे से मैं भी इंजीनियर हूँ। इस उद्देश्य से जो है कहीं ना कहीं हमारा जो मैचिंग है कहीं ना कहीं हमारे ही डिपार्ट से। मांगे क्या है जितेंद्र जी? देखिए, मांगे तो परिवार का भी पिताजी से बात हुई इंजीनियर, तो उनका कहना है कि जो षड्यंत्रकारी है जी, जैसे मेरी हत्या हो गई, दो हत्या और हुई जी, तो हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, लेकिन मांग इतनी है कि आगे जो घटना किसी के साथ और ना घटे, कोई और हमारे बेटे जैसा कोई और बेटे की हत्या ना हो, इसलिए जो षड्यंत्र रच रहा है इस ग्राम सभा में उसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हो जी। मेन उसकी जो है गिरफ्तारी हो प्रधान की जी। फिर उसके बाद इनके परिवार की जो मांग है कि आपके आर्थिक सहायता जो भी जी, जो भी आर्थिक सहायता हो सके, लगभग जो 15-20 लाख रुपया जो है आर्थिक सहायता जी, इनको दिलाई जाए जी। और शस्त्र लाइसेंस के लिए जो है परिवार चाहता है कि शस्त्र लाइसेंस भी हो, तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा मांग नहीं है। और आप देखे होंगे इसके पहले भी कई तमाम हत्याएं हुई, सरकारी नौकरी की भी मांग रही है वहाँ, और उनको पूरा भी किया गया लगभग 10 दिन पहले जी। तो इतना बड़ा मांग नहीं है, हम चाहते हैं कि जो है सीओ साहब जो है लगातार यहाँ लगे हैं जी, और हम चाहते हैं कि उनकी जो है प्रधान के जो है गिरफ्तार करके, और इसके बाद दाह संस्कार का जो है आगे ये लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हैं, जो भी घटना ये लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर इनको अगर इस तरीके की घटना का अंजाम देना होता तो मुझे, मैंने जो जानकारी किया, यहाँ लगभग जो है 95% जो है एक ही समाज के हैं, और उसी समाज की जो है बेटे की हत्या हुई है, और एक घर जो है हत्या करने वाला है, एक ही घर। तो अगर इन लोगों को उत्तापात करना होता तो इसके पहले भी जो है उसके घर पर धावा बोल सकते थे, या कोई भी आगजनी जैसी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने शांति ढंग जो व्यवस्था बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।